दोस्तों आईपीएल 2024 का शेड्यूल आ चुका है। टोटल 21 मैचों का ये शेड्यूल है। दो पार्ट में इस बार के आईपीएल का शेड्यूल आएगा। पहला शेड्यूल आ चुका है, दूसरा शेड्यूल लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगा। इस पहले शेड्यूल में आरसीबी टोटल 5 मुकाबले खेलेगी। आरसीबी जिस टीम के मालिकों ने इतना पैसा खर्चा किया टीम के पीछे, सभी खिलाड़ियों में इतना जज्बा है जीत का कि कहीं न कहीं इस टीम के पास कम से कम एक खिताब होना चाहिए था आईपीएल का। मेरी भी सके कम से कम इस साल के टाटा आईपीएल 2024 का ट्रॉफी आरसीबी टीम अपने नाम करे, क्योंकि विराट कोहली ने जो इस टीम के लिए किया है उस हिसाब से आईपीएल ट्रॉफी को वेल डिजर्व करते हैं विराट कोहली। फिलहाल आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार के आईपीएल में, ये आप कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल इस साल आरसीबी कौन कौन से मुकाबले किस किस टीम के विरुद्ध खेलेगी और किस किस ग्राउंड में खेलेगी, यही जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो अगर पहले मुकाबले की बात की जाए तो पहला मुकाबला ही यानी कि 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। ये मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद आईपीएल का छठा मुकाबला जो कि दूसरा मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, ये मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार शाम को 7:30 पे। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। उसके बाद लीग का 10वां मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का तीसरा मुकाबला होगा, यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलेगी 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को शाम को 7:30 पे। यह मुकाबला भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद लीग का 15वां मुकाबला जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का चौथा मुकाबला होगा, यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को। यह मुकाबला भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। उसके बाद अंतिम मुकाबला खेलेगी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को शाम को 7:30 पे। यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो इस तरह से आईपीएल शेड्यूल के पहले हाफ में 5 मुकाबले खेलेगी, इसके बाद में 9 मुकाबले और खेलेगी। उसके बाद में शेड्यूल जब भी आएगा वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बाकी आने वाले दिनों में जो भी नई जानकारी आएगी या कोई नया अपडेट आएगा वो मैं आपके सामने लाकर देने की जरूर कोशिश करूंगा।